इमाम खुमैनी की 35वीं बरसी के मौके पर कराची में एक अजीम आलीशान इज्तिमा से खिताब करते हुए सरबरा तहरीके बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा अल्लामा सैयद जवाद नकवी ने इमाम खुमैनी और शहदा को ज़बरदस्त खैराज तहसीन पेश किया। अगर नजरिया मुनासिबत 35वीं सालगिर्द शैतानी हो और तागूती गिरामी दाश्त हज़रत इमाम खुमैनी नाम इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ऐसा महसूस होता है हज़रत इमाम खुमैनी कि जैसे उन्होंने जो इंकलाब ताजदार कोनो मका के पानी हैं फख्र मौजूदात 35वीं बरसी के जनाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर खित्ते में सीरत तय्यबा को अपने वजूद पर इज्जत पेश किया जा रहा है। सबसे पहले प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है नाफिस किया हो जम्हूरी इस्लामी ईरान के एक और उस नूर से इस प्रोग्राम में सीरतुर रसूल समझते थे और एक डेडिकेशन के साथ और एक कमिटमेंट के साथ मनाई जाती है और इसका मकसद सिर्फ ये है बयान करते थे लोग जो किसी खास फिक्र और नजरिए पर कारबंद थी फिक्र इस्लाम पर आज अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र को आम किया जाए। इस्लामी जम्हूरिया ईरान इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान हमारे दिल आपस में धड़कते हैं और मोहब्बत के जज्बात फरोग पा रहे हैं और हम इस मौके पर अफसोस का इजहार करते हैं। इस्लामी जम्हूरिया ईरान के सदर एक छाने में और उनके साथी शहीद हुए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हम इस्लामी जम्हूरिया ईरान के आवाम और हुकूमत के गम में बराबर के शरीक हैं। डॉक्टर इब्राहिम रईसी और इनके रफ़का की शहादत पर हुकूमत पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान की तरफ से ताज़ियती पैगामात और मजारिस के इनेकाद को इस्लामी जज्बे का मजहर करार देते हुए शुक्रिया अदा किया गया। वश न्यूज़ कराची।